दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बथालग में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एक जनमंच का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता शहरी विकास तथा सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। जनमंच के कार्यक्रम में कुल 65 समस्याएं लोगों द्वारा रखी गयी। इन समस्याओं में से उन्होंने मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का निपटारा किया। इस दौरान कहा गया कि बराली सतोटी शिवनगर सड़क का निर्माण कार्य कई महीनों से रुका हुआ है। इसके अलावा पजीणा गांव से अंबुजा द्वारा सीमेंट उद्योग में प्रयोग करने हेतु पानी इस शर्त के साथ ले जाया गया था कि कंपनी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगी, लेकिन अंबुजा कंपनी न रोजगार दे रही है और न ही मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान दे रही है। इस दौरान मंत्री महोदय ने कहा कि कोविड-19 के चलते मार्च के बाद जनमंच कार्यक्रम बंद हो गया था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। जनमंच हुआ है आज, इसमें इसी के बारे में कोविड-19 के कारण मार्च के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार का जो महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप प्रोग्राम है जनमंच, ये बंद हो गया था। लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है और आम जनता की समस्याओं का समाधान करने का एक बहुत अच्छा जो है वो उपकरण है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की एक हेल्पलाइन भी है 1100 नंबर, उस पर भी कुछ समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन जनमंच में आम लोग स्पॉट पर अपनी जो उनकी समस्याएं हैं, कई बहुत पुरानी समस्याएं भी होती हैं, उनका भी समाधान जो है ढूंढते हैं। जनमंच में वो क्योंकि सबके सामने होता है, एक तरफ कंप्लेनेंट होता है, दूसरी तरफ अधिकारी होते हैं, तो वो अपनी बात बताते हैं और उसका समाधान जो है वहाँ पर आसानी से हो सकता है। इसलिए इस कोविड-19 के अनलॉक पीरियड में जो अब शुरू है, सब चीज़ें खुली रही हैं, सरकार के बाकी काम भी चल रहे हैं, इकोनॉमी भी जो है वो आगे बढ़ रही है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया कि हम अपना जो प्रोग्राम जनमंच है उसको, जो हमारी SOP है कोविड-19 की, उसको ऑब्जर्व करते हुए प्रारंभ करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है आज सोलन जिला का अर्की विधानसभा क्षेत्र में इस बथालग नामक स्थान पर जो ये हमारा जनमंच हुआ है उसमें जनता भी बड़ी संख्या में आई है, लेकिन उन्होंने बाकायदा कोविड-19 के सारी के सारी जो हमारी जो है SOP है उसका पालन किया है, बड़ी शांति के साथ दूर दूर बैठ करके मास्क पहन करके सैनिटाइजर या हाथ धो करके जो है वो बार बार जो है वो इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ स्टॉल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे वो भी यहाँ पर लगे हैं। आयुर्वेदा का जो है वो आयुष जो विभाग है हमारा, उसकी दवाइयाँ यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी हैं। इसके अलावा बेटी है अनमोल जैसे जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें बच्चों को इस बार नहीं बुलाया गया कोविड की देखते हुए, इसलिए उनके गार्डियंस जो आए थे जिनको 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो सम्मान राशि दी जाती है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये जनमंच जो है वो कोविड-19 के बाद जो हुआ है बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। जो मैं अपना इस सोलन जिला का ये कोविड देख रहा हूँ, मैं इसके लिए सोलन जिला के जिलाधीश, इनकी सारी टीम और जो हमारे SDM हैं लोकल अर्की के, उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं और प्री जनमंच में जो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऑलरेडी कर दिया था, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे जो अधिकारी भी थे यहां पर, मैं पिछले 2.5 साल से जो है वो जनमंच में जा रहा हूं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सोलन जिला के अधिकारियों ने जो है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से इसकी व्यवस्था भी की है, प्री जनमंच में समस्याओं का समाधान भी किया है और तैयारी के साथ भी आए हैं। ऑफिसर जिन्होंने जवाब देना था उनको जो है वो मालूम था कि क्या समस्या है, इसलिए तैयारी के साथ आए हैं। और जनता के बीच जो लोग हैं उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DC साहब का, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री रतन सिंह पाल जो हमारे
हिमको फेड के चेयरमैन हैं और श्री गोविंद राम शर्मा जी जो हमारे एक्स एमएलए हैं इस क्षेत्र से, और हमारे सारे पंचायतों के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हैं, और हमारी पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, अन्य लोग हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दारलाघाट से केशव वशिष्ठ की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।